मैं उसे कितना भी भला बुरा क्यों ना कहूं, वो फिर भी सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है। मुझे मुझे कोई भी ठेस पहुंचे ऐसा कोई काम नहीं कर सकता ना कोई। परिवार की लड़की का इससे रात भर बाहर रहना अच्छा नहीं माना जाता। लोग पचासों तरह की बातें करते हैं। बेटा तुम क्यों नहीं चली आई रात में? आप लोग की हिम्मत कैसी हुई यहाँ आके ये सब कुछ बवाल करने की? आप होते कौन है? और वैसे भी किसी के घर में ऐसे ही घुस के आ जाएंगे आप? अरे इसकी घर से अभी निकाल देते हैं, मारो इसे, मारो इसे। रुक जाओ। क्या ये घर है? खड़ा चुप बैठो। जो क्या तुमने ऐसा, तुम इस तरह भी शर्म नहीं आई? इसके पहले भी तुम मेरी बेटी से रिश्ता तोड़ करके मुझे नीचा दिखा चुके हो। और अब तुम इतना नीचे गिर गए कि हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। चाचा जी, आप इस पे कैसे यकीन कर सकते हैं? अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप तनु से पूछ लीजिए ना। ये हमें फंसाने की साजिश हो रही है। किसने किया? बोलो, किसने छुपाया? तूने किया ना? तन्नु की किडनैपिंग से लेके उसे पुलिस चौकी में बिठाने तक हम दोनों के बारे में ये नकली खबर इस अखबार में छपवा के हम दोनों को बदनाम करने की कोशिश की तूने। बोल क्या बकवास कर रहा था? ये सब झूठ बातें, और झूठ बोल रहा है ये। अरे हम तनु के साथ कभी ऐसा घटिया बन कर ही नहीं सकते हैं। तू तनु को बहुत अच्छा दोस्त समझता है ना? तुझे क्या लगा कि तनु को बदनाम करने के लिए तू ये सब हरकतें करेगा और तेरा ये भोला चेहरा दुनिया के सामने नहीं आएगा? पर तेरे इस चेहरे के बारे में तनु अच्छे तरीके से जान चुकी है, समझा? तनु तनु बताओ इसकी सच्चाई क्या है, इसकी असलियत सबके सामने लेके आओ। बोला तनु। टूटा हुआ प्यार सिर्फ सैलाब लेकर आता है और फिर सिर्फ तबाही। नकुल भैया से थोड़ा पैसा लिए हमारा गुजारा हो जाए, अब मना करके हमारे पेट पे लात मारता है। तुम पर विश्वास करती थी, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमको थोड़ी सी मैंने दिल को चुभने वाली बातें क्या कही? तुमने नफरत में आकर मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों किया?
तनु, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सब झूठ बोल रहे हैं, हमें इसमें फंसाया जा रहा। तनु क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है नकुल। मैंने खुद तुम्हें उस इंसान से बात करते हुए देखा था, तुमने उसे पैसे दिए और फिर मुझे किडनैप करके दिल्ली जाकर बेचने के लिए कहा। क्यों किया नकुल तुमने ऐसा? हाँ बोलो, सबको बताओ कि ये सब तुमने किया, ये सब तुम्हारा काम है। बोलो, ये तुमने प्लान किया था सब कुछ? तनु हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया, ये सब गलत। हाँ हमने पकिया को पैसे दिए थे तुम्हें कानपुर ले जाने के लिए और सही सलामत वापस लाने के लिए। अगर यकीन नहीं होता तो बुलाइए उस पकिया को, हम उसके मुंह से कहलवा देंगे आप सबके सामने। क्या कहलवाएगा तू पकिया से? क्या कहलाएगा बोलना। पुलिस स्टेशन में खुद पकिया ने मुझसे कहा है ये सब तेरा कितरा है, तूने करवाया है सब। झूठ बोल रहे हो। अरे जब हमने कुछ किया ही नहीं तो ऐसे कैसे बोल सकता है वो? तू कुछ भी कर सकता है, जब तेरी बात नहीं बनी, आपस में तुम्हारा झगड़ा हो गया तो तू इस हद तक गिर गया। बकवास बंद कर अपनी, हम ऐसे आदमी नहीं जो छोटी सी बात से किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करेंगे। अरे तुम हो ऐसे जो तुम्हारी तस्वीर बयां कर, होश में रह के बात कर तू, समझा? औरतों की इज्जत तो करना जानता नहीं है, मुझ पे कीचड़ उछाल रहा है। अरे तुम पे क्या कीचड़ उछालेंगे जब पूरे का पूरा कीचड़ में धंसा हुआ हूं। जबान संभाल के बात कर, क्या कर लेगा तू? ये सब कुछ तेरा किया था रहा है, किडनैपिंग से लेके ये फोटो छपवाने तक, और वैसे भी नकली फोटो छपवाने में तू उस्ताद है ना, रिजल्ट भी तू नहीं छपवाया था। और अब ये सब और तुम सच्चाई की मूरत हो, अरे पूरा गांव तुम्हारी सच्चाई देख रहा है, तू झूठ बोल रहा है। चिल्ला मत झूठ के बुलिंदे, चुप हो जाओ। मुझे ये नहीं सुनना कि कौन झूठा और कौन सच्चा। जिस आदमी ने इसका नाम लिया था उसको लेकर क्या हो? मैं उसके मुंह से सब कुछ सुनना चाहता हूं। वो अभी भी पुलिस की हिरासत में है, मैं उसे अभी लेके आता हूं। ठहरो, अभी साथ जाएंगे। क्योंकि इस इंसान पे हमें जरा सा भी भरोसा नहीं, पर अब उसे यहाँ लेकर आएंगे और वही साबित करेगा कि झूठ क्या है और सच क्या। और तनु के साथ पापा ने तनु को ठिकाने लगाने की बात कही थी, इसका मतलब ये खबर पापा ने छपवाई है। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं जबकि इसमें तनु और शांतनु दोनों की बदनामी होनी थी? फिर वो शांतनु और तनु को लेकर ऐसी घटिया बातें कैसे फैला सकते हैं? उन दोनों को लेकर ये शर्मनाक स्टोरी पेपर में कैसे छपवा सकते हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि इससे शांतनु की कितनी बेइज्जती होगी? मुझे उनकी इस घटिया हरकत पे बहुत गुस्सा आ रहा है। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये पूछना है मुझे उनसे। आखिर उन्होंने ऐसी घटिया चाल चली ही क्यों? मैं आप लोगों के हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, कृपा कीजिए। विश्वनाथ, आज आप जैसे लोगों की वजह से मोहल्ले बदनाम होते। एक तो लड़की की शादी टूटी और ऊपर से आपने उसे इतनी छूट दे दी कि वो अपने आशिक के साथ। खबरदार जो मेरी लड़की के लिए एक शब्द भी बोला, निकल जाओ यहाँ से। हमें भी कोई शौक नहीं है खड़े रहने का,
जिनकी बेटी का नाम ऐसे अखबार में आए। अरे गुरुजी की सारी इज्जत तुम लोगों ने मट्टी में मिला दी है, तुम किसी को मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहे। अरे लोग फूकेंगे तुम पे, समझे? जाओ यहाँ से, जाओ। पापा, पापा कहाँ हैं आप? क्या हुआ बेटा? पापा कहाँ हैं? मुझे उनसे अभी बात करनी है। नहीं है वो। तू जैसे घर से बाहर निकल गई, वो भी तेरे पीछे घर से बाहर निकल गए। लेकिन कहाँ गए? मैं क्या जानू, तेरे बाबा मुझे बता कर जाते हैं क्या, कहाँ जा रहे, क्या करने जा रहे। आखिर ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? आखिर ऐसा काम क्या है जो उनके लिए तू इतनी बेचैन हो गई है? आपसे मतलब? आप अपने काम से काम रखो। रवि, बड़ों से ऐसी बात करते हैं? हमने तुझे ये संस्कार दिए, बाहर जाके तेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। तेरे पापा ने तुझे बिगाड़ के रख दिया है। रोज तो तुम लोग बड़े अच्छे से बात करते रहते हो, हंसते खेलते बात करते रहते हो, आज क्या हुआ? तू इतने गुस्से में है कि वो दिख जाए तो उनका खून कर दे? आज तो सच में अगर वो मुझे मिलकर ना, तो मैं सच में उनका खून कर दूंगी। आखिर वो कर कैसे सकते हैं ऐसा? मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। देखो पल्लवी, तू बहुत गुस्से में है, मुझे बता क्या बात है, तेरा मन हल्का हो जाएगा, बता बेटा। आप नहीं समझोगे, आप अपना काम कीजिए, जाइए। तेरा एक एक झूठ मैं तन्नू के सामने रखूंगा, समझा? अरे हम भी चाहते हैं कि तनु को तुम्हारा एक कैयापन पता चले, और आज सब कुछ साफ साफ हो जाए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बकिया को बुलाओ। यहां से 2 घंटे की ड्राइव पर एक गांव है, वहां उस लड़की के माँ बाप रहते हैं, तो वहां पकिया को लेके चलो। वहां उसे ये बताना होगा कि उसने ये किसके कहने पे किया है। हाँ, अगर तुम्हें ये रिक्वेस्ट मानने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो मैं अभी तुम्हारे डीएसपी साहब से बात करा देता हूँ, तुम बात कर लो। अरे क्यों डीएसपी साहब को फोन कर रहे हैं? अरे वो पकिया ने कोई बयान नहीं दिया कि किसके कहने पे उसने ये सब किया। उसने मेरे कान में जाके बोला था कि उसने किसके कहने पे सब कुछ किया है। चलो, मैंने कहा बुलाओ उसे, बुलाओ। वो लॉकअप में नहीं है, हमने उसको छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब? ऐसे कैसे छोड़ दिया? उसने उस लड़की को अगवा किया था, उसे बेचने की बात कर रहा था, लड़की ने यह बयान भी दिया है तुम्हारे सामने, कैसे छोड़ दिया तुमने उसको? और वो एक अपराधी था, ऐसे कैसे छोड़ सकते हो तुम उसको? अरे हम मानते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि लोग मंत्री संतरी का फोन करा के दबाव डालते हैं, अब ऊपर से दबाव आया तो हमें छोड़ना पड़ा उसको। मैं तुम लोगों की कंप्लेन करता हूँ, वैसे किसके कहने पे छोड़ा तुमने उसको? इसके कहने पे क्या तूने ये सब? इसी के कहने पे ना, यही है ना पर्दे के पीछे, इसकी वजह से उस लड़की को पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ा। अरे ये वो नहीं है। यही है वो, इसने ही सब कुछ किया है। झूठ बोल रहा था ना? हाँ, तनु को हमारे खिलाफ करने के लिए तूने ये सब कहानी बनाई थी कि पकिया ने हमारा नाम लिया है, लेकिन उसने तो किसी का नाम नहीं लिया और किसी के सामने भी नहीं, सिवाय तुम्हारे। इसका मतलब तू झूठ कह रहा था, और वैसे भी तू इस बाउंडर में फंसाने के लिए तूने ये सब कहानी बनाई है ना?
हाथ तेरी सारी बकैती ही निकाल दूंगा। कैसे तू? अरे क्या तरीका है? छोड़िए, हटिए आप लोग, अपने घर पे जाइए। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। बहुत कर दिया तूने ये उत्पात। तेरा असली चेहरा मैं सबके सामने लेके आऊंगा, तेरी सच्चाई मैं तन्नू को बताऊंगा, तेरा एक एक झूठ मैं तन्नू के सामने रखूंगा, समझा? अरे हम भी चाहते हैं कि तन्नू को तुम्हारा एक कैयापन पता चले। रास्ता तो साफ साफ हो गया कि तन्नू तुम पे विश्वास करती है या फिर हम पे। मजा आवा मालिक, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आप है तो दवा दारू, आप है तो नोटों की बरसात है, आप है तो सब कुछ है हमारे पास। मालिक ये ऐश की जिंदगी आपकी तो मेहरबानी है। मालिक हमें बस हमारा इनाम दे दीजिए, हम ऐसा अंडरग्राउंड हो जाऊंगा कि सीधा 2 साल बाद ही वापस आऊंगा। रहना तुमको खुशी से मर जाओगे। देखो मर गए तो देखा कहा है ना, हमरा तुमसे कोनो पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन दुबे प्रधान का आदत है कि वो अपने कोनो कृत्य का कोनो सबूत नहीं छोड़ता है। समझे? सुनो बे, यहां गोदाम में एक लाश पड़ा है, इसके पहले कि वो सड़ के बसाने लगे उसे उठा के ठिकाने लगा। तुम तो जानते हो ना हमरा स्वच्छता से कितना प्रेम है, तो हमें इम्ताना होकर जेब में है निकाल लेना। चलो भाई अंडरग्राउंड हो जाओ, और जो किए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कितना बड़ा झूठा, इसकी बातों पे कभी यकीन मत कर। गांव
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ने उस आदमी को लॉकअप से छुड़वा के गायब करवा दिया। क्या बकवास कर रहे हो बे? हम काहे किसी को छुड़वाएंगे और पकड़वाएंगे? इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, और वैसे भी उस आदमी ने हमारे खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे हमारे ऊपर शक किया जाए। ये सर मनगढ़ंत कहानी बन रहा है हमारे खिलाफ। मैं कहानियां बना रहा हूं। वो आदमी लॉकअप में जाने से पहले मुझे आकर बोला ये जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे नकुल कहां थे। अपना एक कानपुरिया लटका झटका बंद कर दे। क्या कोई फिल्म नहीं चल रही कि अंधेरे में तुम इनको कुछ भी दिखाओगे और सब लोग मान लेंगे? अब चुटकुला समझ रहे होगा हमको। अपना पाप छुपाने के लिए तुमको हम ही मिले थे। तुम ही मिले हो नहीं, तुम ही हो जो इतने दिनों से तन्नु की जिंदगी में कांटे बो रहे थे। ये सारा किया था तुम्हारा ही है, और तुम्हारे ही पैसे खिलाने की वजह से ना उस बदमाश ने सारा ही कुछ किया है। तो हम कांटे बो रहे हैं और तुम फूल बरसा रहे हो यहाँ सब पे, अखबार में छपा दिखाए तुमको। शराफत का चोला ओढ़े, अरे कितने बड़े गुंडे हो, पूरा गांव जानता है। तुम अपना पाप ना मेरे सर पे मरने की कोशिश मत करो, समझे तुम? एक बार पकिया मिल जाए तो ये सारा किस्सा चिट्ठा ना खुल के सबके सामने आ जाए। अरे हम भी चाहते हैं कि एक बार वो मिल जाए, फिर तुम्हारा चेहरे का मुख उतार उतार। हद में रहो अपनी। अरे हद से बाहर तो तुम जा रहे हो। तुम्हें तो हम देख, तुम्हारी असलियत तो यही है कि जिसकी बात बुरी लग जाए उससे देखने के मंसूबे तुम बहुत जल्दी बना लेते हो। ज्यादा बड़बड़ मत कर, तुम भी अपनी जबान थोड़ी बंद कर। हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि हमने ऐसा कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें हमारी बातों पे यकीन नहीं। अगर हम तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं करते। रही बात उस पकिया की, जिसने भी तुम्हारे साथ ये सब किया उसका पता लगा था। और इस आदमी के झूठ को बेनकाब कर, ये कितना बड़ा झूठा है इसकी बातों पे कभी यकीन मत कर। इस नकली फोटो के आधार पे कोई लड़का किसी लड़की का चरित्र तय नहीं कर सकता कि वो लड़की अच्छी है या बुरी। मैं आपको पूरा यकीन दिला कि तन्नू को एक अच्छा लड़का मिलेगा, उसकी शादी एक अच्छे लड़के से होगी। तुम करोगे उससे शादी? बोलो, जवाब दो। चट्टान को कब मिली है ये बात।
तू